बढ़िया है सर, आप बताएं। बस आपने उस ग्रुप में मुझे जोड़ा था अच्छा, तो मैंने कहा कि आपसे बात करूं। जी, आप ये बताइए, अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ जुड़कर हाँ अपने सभी साथियों को और देशवासियों को एक समृद्ध भारत में कन्वर्ट करने के लिए आप किस हद तक तैयार हैं? नहीं, एक्चुअली सर क्या है, मैंने सभी से बात की है जी तो वो ये बोल रहा है कि भाई देखिए, अभी हम एक संगठन चला रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं, फिर दूसरे संगठन हमें जुड़ जाएंगे, है ना। तो देखिए, मैंने मेरी कहा बात बड़ी सिंपल है कि जी जी हमारा उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। हाँ हमारा उद्देश्य ना संगठन होना चाहिए ना पार्टी होना चाहिए। उस संगठन और उद्देश्य से हम क्या पाएंगे हाँ तो यदि मैंने हम कहा उसको, भाई नहीं, जी यदि जी हम उसको एक सीमित ग्रुप के सदस्यों के तक ही सीमित करेंगे तो हर भारतीय का कंट्रोल कैसे होगा? हर व्यक्ति का जो है ना कल्याण कैसे होगा? हर भारतीय जो है ना समृद्ध कैसे होगा? जी, तो उसके लिए तो हम सबको जुड़ना चाहिए ना। यदि नहीं क्या है सर, भारत के हर नागरिक को, जी, यदि गरीब परिवार को जिसके पास हुनर भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है, यदि उसे हुनर, शिक्षा, आज आने जाने के साधन और हाँ टूल्स और गाड़ी और सब चीज मिल जाती है और कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती है, जब उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी तब वो आसान किस्तों में वसूल हो जाएगा, तो हाँ जबकि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, वो भी 2025 में ही हो जाएगी, हाँ 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 और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी, हमारा जो वायुमंडल है वो बदल जाएगा, पानी जो है वो फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, आपके पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, ये सब चीजें मिल रही हैं, हर कोई समृद्ध हो जाएगा, तो फिर ये बांटने वाला जो तरीका है, यदि हम सीमित तरीके से चलेंगे तो जी फिर जी किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये सभी दुष्ट राजनेता इसी तरीके से जीतेंगे। और ये 75 सालों में क्या हम विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो व्यूह रचना की थी, जो नियम कानून बनाए थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, 75 साल के बाद भी आपके ऊपर वही व्यवस्था थोपी हुई है। हाँ जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से भारतीयों को शोषण करने के लिए प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, हाँ हाँ उसमें सुधार के नाम पर हम जैसे लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए हैं, तो आम हाँ आदमी तो और बड़ा गुलाम बन गया है कि नहीं बन गया है? ये बात हम कब समझेंगे? जी, हम बटे हुए क्यों हैं? हाँ और पार्टी क्यों है? पार्टी क्या कर रही है? पार्टी कितने लोगों को जिता लेगी, कितने वो कर लेगी, और जिताने के बाद भी क्या वो उसी लाइन को टो कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या उसने जो है ना गुलामों के नियम कानून बदल दिए हैं क्या? और ये पार्टी अपने हाईकमांड के साथ सामने जो है ना बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसी उनकी स्थिति नहीं है? बताइए, वो पार्टी लाइन से हटके कुछ करने की स्थिति में है? नहीं सर, मैंने जो गठन किया है, मैं बताऊं आपको नहीं, तो देखो, हम ये कह रहे हैं जो गठन किया है उसे करते रहें। क्या जी, जो है, हम जो है अपने भारत को अच्छा बनाने के लिए सदस्य क्राइम फ्री भारत मिशन के बने? क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक दल नहीं है। हम बड़े लार्जर कैनवास की बात करें ना, जो कि ये कह रहा है कि नियम कानून बदल जाएंगे, जो कह रहा है संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म कर दिया जाएगा, हाँ जो हाँ कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी, यदि हाँ ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना विधिक व्यवस्था के तहत देय होगा। जी, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो लॉर्ड मैकाले ने 1870 पेज की रिपोर्ट पेश कर की थी, और हाँ उसमें जो है ये बात बड़े अच्छे ढंग से लिखी थी कि यदि हमें भारत का शोषण करना है तो हमें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है उसको तोड़ना होगा, जी जो कि आज भी यदि हम जो है दो जो है उस पर जाना चाहें तो फरवरी 2 1835 की स्थिति में जाना चाहेंगे हाँ तो उसके लिए भी अभी अपन को 5 साल लगेंगे, लेकिन यात्रा प्रारंभ करेंगे तब लगेंगे ना। अभी हाँ तो हम उन्हीं की व्यवस्था में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि 25-50 लोग कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, हाँ लेकिन हर व्यक्ति मायने रखता है, भारत का हर नागरिक मायने रखता है,
जो जिस सामाजिक संगठन से जुड़ा हो जुड़ा रहे, जो वो अपना भला का काम कर रहा है करता रहे, उसके साथ साथ वो जुड़ के क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के 21 लक्ष्यों के माध्यम से अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है कि नहीं चाहता है, हाँ हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो करते रहिए आप, उसको उसको हम बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो हाँ आप दबाव बना रहे हैं वो बनाते रहिए, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी लेकिन एक बृहद अम्ब्रेला के नीचे यदि आप जुड़ेंगे तो 21 हाँ लक्ष्य जमीन पे उतर जाएंगे, लेकिन वो हाँ तभी उतरेंगे जब हाँ जो आज के राजनेता हैं जी जो उनको पराजित करके आप नई व्यवस्था बनाएंगे। हाँ अभी तो वो घिसी पिटी लाइन पे चल रहे हैं, इवन जो है भाजपा ने क्या जो संविधान के विरुद्ध जो है कानून बनाए गए उनको बदला क्या? नहीं बदला। क्या उन्होंने जो है हमको समृद्धि दी, नहीं दी फ्री भी बांट के दारू बांट के? तो आपने हमारा जो मानव स्वभाव है कर्म करने का, आपने उसे कुंठित कर दिया है, हाँ आपने तो हमें मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, जी बिल्कुल तो फिर हम इनकी वाह वाह क्यों करें? और ये अपने पिताजी का जो है ना घर बेच के दे रहे हैं क्या? और हमें समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि गरीब परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उसको प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिए जाएंगे, जी आवागमन का साधन भी दिया जाएगा, उसे हाँ जो है कपड़े भी दिए जाएंगे और उसको आचार व्यवहार भी सिखाया जाएगा, और हाँ इनमें से कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, लेकिन उसकी रिकवरी कब होगी? जब आप 2 लाख रुपए से ज्यादा क्रय शक्ति आपकी हो जाएगी। अच्छा, तो आप बताइए ये ज्यादा अच्छी व्यवस्था है या जो आज के जो ना फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं निर्लज्जता पूर्वक, हम हाँ कब जागेंगे? हाँ क्या जो मैं बात कह रहा हूं वो इतनी कठिन है कि आम आदमी के समझ में ना आए? नहीं, क्या है, मैंने सभी को मतलब बताया समझाया है, तो क्या है कि हम अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी एमपी के लोगों को समझाने में। अभी एमपी के दिमाग में, लोगों के दिमाग में पड़ा है कि बोल क्या कि इस पार्टी ने मुझे इतना पैसा दिया, मैं इसके साथ काम करूँगा, इस पार्टी ने मुझे मैं इतना तो पैसा ये दिया, इस कह पार्टी के रहा साथ हूं कि काम करूँगा। जो जो दे रहा है उससे वो ले लिया जाए, जो हाँ भी दे रहा है अपने पिताजी का नहीं दे रहा है, जी जी बिल्कुल या तो वो जो शासकीय निधि से दे रहा है या हाँ अवैध कमाई जो भ्रष्टाचार करके की है उससे दे रहा जी बिल्कुल सर है, राइट? तो जी आप उसको ले लीजिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हाँ लेकिन आप क्राइम फ्री भारत की मिशन के सदस्य भी बन जाइए, और उसके हाँ सदस्य की शपथ में ये है जी कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, आगे नहीं आ सकता हूँ, लिहाजा हाँ मैं जो है ना पर्दे के पीछे रहकर अपने ही हाँ परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जो है ना लोगों को जोड़ूंगा, और ऐसे हाँ समाज सेवी संगठन या जो भी संगठन है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके जी लोगों जी को ऊर्जाकृत कर संकल्पित करके जोड़ूंगा। इसमें आप हाँ बताइए आपके 5 पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं क्या आप कोई चक्का जाम, कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन, कोई पुतला दहन या कोई भी हाँ नेगेटिव कार्रवाई कर रहे हैं क्या? जी अभी नहीं होना तो चाहिए। आप बताइए इस व्यवस्था में यदि हम सिर्फ जाग के और जो भी हाँ वो भी काम जो है ना 9 दिन में हो सकता है, और हम तो कह हाँ रहे हैं कि अपन 10 के मान से 9 दिन में 90 लोग जोड़ रहे हैं, यदि हमारे इतना बड़ा महान परिवर्तन हो रहा है तो हम एक ही दिन में 90 लोग क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? हाँ बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो काम जो है जी सर बड़ी आसानी से हो सकता हाँ है कि नहीं? जी बिल्कुल तो मेरा ये अनुरोध यही है कि जी देखो जी आप छोटे हैं, बटे हुए हैं, तो ये लोग आपको बांट के मूर्ख बनाएंगे हाँ और सत्ता में बैठेंगे, लिहाजा जी ये महापरिवर्तन इनके मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, लेकिन ये तभी जमीन पे उतर पाएगी जब आपको नियम कानून और इकोसिस्टम बदलने का जो है ना शक्ति होगी। हाँ तो टेक्नोलॉजी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी बनी हुई भी है और जो गैप्स हैं हाँ वो भी 3 4 6 महीने में अधिक से अधिक 1 साल में पूरे किए जा सकते हैं। जी ज्यादा समस्या है हाँ डिटरमिनेशन की, ज्यादा हाँ समस्या है इच्छा शक्ति की, इनकी जी तो सोच ही नहीं है, ये तो गरीब को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वो हाँ उनका वोट बैंक रहे, उसको जी फ्री भी बांटना चाहते हैं, दारू बांटना चाहते हैं, हाँ और जो है ना फिर करोड़ों रुपए दाएं बाएं करके अपने को खुद को धनी बना रहे हैं, जी और ये टिकट किसको दे रहे हैं? हाँ जो कोई बहुत विद्वान नहीं है,
अनपढ़ गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र जी और जी अपराधी भी, हाँ और ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाँ तो मेरा आपसे महेंद्र राज जी कहना ये है कि हम जी कब जागेंगे हाँ और हम जाग क्यों नहीं रहे। मेरे जी ख्याल से इसमें बहुत विद्वत्ता नहीं है। मैं हाँ आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना की हो, तो मेरी चैनल है क्राइम फ्री भारत मिशन की, अच्छा, हाँ उसको आप सब्सक्राइब करिए। उसमें 4,500 से भी अधिक वीडियो हैं, उनको हाँ आप सुनिए। हर चीज में कैसे बदलाव आएगा, कैसे हाँ जो है ना किसानों की आमदनी 4 गुना हो जाएगी, कैसे जी पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा। भाई हाँ ये बताइए, पार्टी वाला प्रजातंत्र से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, जी पार्टियां हावी हो रही हैं और प्रजातंत्र की हत्या कर रही हैं। तो हाँ जो भी जो है ना हमारा प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, वो जी देश के और हर आदमी के भले की बात करे। जी आप देखिए, इस देश के संविधान ने सभी भारतीयों को समान पैदा किया है। जी बिल्कुल इन राजनेताओं ने हमको छोटी छोटी जाति धर्म में और उसमें बांट के अपना उल्लू सीधा किया है, हाँ और जबकि मूल अधिकार के तहत, मूलभूत अधिकार के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत इस बात पर अंकुश लगाया गया था कि आप हाँ ऐसा मतभेद, ऐसा जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। ये संविधान में लिखा हुआ है आपका। जी और जी ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने जो संविधान के दिशा निर्देश है उनमें से एक का भी पालन नहीं किया। हाँ आर्टिकल 47 कहता है कि जो नशीली चीजें हैं वो गरीब वर्ग के जो है ना विरुद्ध जाती हैं। आपके हाँ संविधान का दिशा निर्देश है कि इस देश में नशीली वस्तु, नशीले ड्रग्स, नशीले पदार्थ ना तो जी निर्मित किए जा सकते हैं, ना इंपोर्ट किए जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं। जी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके संविधान का आर्टिकल 47 कह रहा है। हाँ तो बताइए कितने दुष्ट हुए हमारे राजनेता कि उन्होंने उल्टा ही किया। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको ये बताना कहना चाहता हूं, मिस्टर महेंद्र राज, आप मुझे ये बताइए, जी यदि आप प्रधानमंत्री होते तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वही अपने हाँ देशवासियों पर थोपते? तो नहीं सर, मैं तो ये चेंज कर देता तो चेंज करता, तो फिर ये 75 साल के बाद भी फिर आप जी इन्हीं पार्टियों के चक्कर में क्यों हैं? इनमें से कोई हाँ कह रहा है कि हमें नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे? तो नहीं नहीं कोई नहीं फिर क्या बात है? हमारी शिक्षा व्यवस्था वही क्यों है जो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय सिस्टम को हाँ खराब करने के लिए बनाई थी? उनकी खुद की रिपोर्ट पढ़ी है ना, वो रिपोर्ट तो हर भारतीय को पढ़ाई जाना चाहिए। जी ये अपनी रिपोर्ट तो नहीं, ये तो उनकी रिपोर्ट है जिसके हाँ आधार पर भारतीय जो है ना शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया था। जी तो महेंद्र राज जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका खुद का विचार क्या है, आप कुछ शब्दों में कहें उसे। सर, इससे जुड़ने के लिए ऐसा कोई नियम में है, ये लिंक है कोई ऐसी जिससे हम नहीं, कार्यकर्ताओं हर भारतीय रुक जुड़ सकता है, जी और इसमें हमने उसमें कोई मतभेद नहीं रखा है। केवल वो जुड़ के जोड़ के चंद्रगुप्त भी बन सकता है, इवन अपराधी भी चंद्रगुप्त बन सकता है, बस केवल उसे टिकट नहीं मिलेगा। और अच्छा, अपराधी को जो चंद्रगुप्त की जगह हम तो उसे महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। क्यों? हाँ क्योंकि उसे ये मालूम है कि ताज मेरे सिर पर नहीं आने वाला है, हाँ उसे ये मालूम है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। हाँ हाँ इसके बावजूद भी वो जुड़ के यदि लोगों को जोड़ता है तो जी जी वो इन विद्वानों से ज्यादा बेहतर और बड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल आपको तो यदि आप लोगों को जोड़ेंगे और नंबर वन पे आ जाएंगे 18 नवंबर को, जी तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे घोषणा के अनुसार। लेकिन उस आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को तो टिकट भी नहीं मिलेगा। जी तो यदि हम आप में और एक आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति में, जिसको ये मालूम है कि मेरे सिर पर ताज नहीं आने वाला है, तो आप किसका त्याग बड़ा मानेंगे? हाँ सही बात है देखिए, वाल्मीकि जी, हमारे जो ऋषि वाल्मीकि जी थे, वो डकैत थे। जब ऋषियों ने उनको ज्ञान दिया और उनको हकीकत बताई कि तुम्हारे जो है ना घरवाले भी तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है, तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जाके पूछ लो। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें मूर्ख समझ के रखा है कि मैं उनसे पूछने जाऊं तुम भग लो। तो हाँ उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बांध के जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप पूछ के हाँ आइए। हाँ और फिर वो सबसे पूछने गया तो उन्होंने कहा भैया,
ये तो आपका जो ना कर्म है, आपका वो है कि धर्म है कि आप मेरा पालन पोषण करें, हम आपके पाप में बिल्कुल भागीदार नहीं है, राइट। जी जी जब जी उसको जब ज्ञान मिल गया तब तो वो आया और उन ऋषियों के चरणों में जो है समर्पित हो गया, और उसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि बना, जिसमें जिसने जो है राम के जन्म के पहले रामायण लिख दी। कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा भविष्य जी दृष्टा रहा। तो देखा जाए तो वो थे तो डकैत, जी लिहाजा कौन डकैत है कौन क्या है, हम नए उससे सबको जोड़ेंगे, केवल जो है उसे ताज नहीं मिलेगा। अच्छा अदरवाइज हर भारत का हर नागरिक जुड़ सकता है, हर इवन शासकीय सेवा में बैठा लोग भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें इससे बड़ी देशभक्ति की कोई बात नहीं है, और इसमें हाँ किसी नियम कानून का तोड़ को नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो ना तो हम नियम कानून को तोड़ रहे हैं, और ना ही कोई जो है ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो हाँ कि देश के प्रति जो है ना ठीक ना हो। ना जी तो हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं, ना किसी को पिटीशन दे रहे हैं, जी जी सर राइट। तो यदि जो डरे सहमे लोग हैं वो सदस्य की शपथ लें, और जो निडर निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त की शपथ लें, जी और वो जो है संगोष्ठियां लें, लोगों को जोड़ें, और हर किसी से पूछें कि भैया तुम डरे हुए हो सहमे हुए हो तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए, और जी मिनिमम दो जो है ना संगोष्ठियां प्रतिदिन करके लोगों को जो है ये संदेश पहुंचाइए और उन्हें जोड़िए। जी जी सर बिल्कुल आप जो है 9 दिन में कमाल हो जाएगा, हाँ हाँ और आपके पास से कुछ जा नहीं रहा है तो जी फिर प्रॉब्लम क्या है? जी बिल्कुल सर नहीं, आप ये बताइए, आपसे कुछ मांगा जा रहा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं नहीं मांगा जा रहा है, और आपसे जो है कुछ वो हो रहा है क्या? तो यदि इतना बड़ा महापरिवर्तन हो सकता है मात्र जुड़ने से और लोगों को जोड़ने से, तब जी भी यदि हम ना जुड़े तो फिर क्या दिक्कत है? और वो हाँ सर जो 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 जी जो बांट रहा है, फ्री भी बांट रहा है, भैया 3,000 देंगे, 2,000 देंगे, ले लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ लेकिन वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे, और चंद्रगुप्त सर कौन थोड़ा होगा? सा एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जरूर करिए अभी मतलब मैंने कुछ लोगों को समझाया था जी। तो कुछ लोग यही कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए अब आप संगठन चलाते हैं या पार्टी जी चलाते हैं उसमें आईडी कार्ड होता है हर चीज का, तो क्या इसमें हमें क्या आईडी कार्ड मिलेगा? आईडी कार्ड आपको इमीडिएटली ऑटो जनरेट मिलता अच्छा अच्छा सर है। वो कैसे इसमें जो मतलब है जैसे जो आप जुड़ेंगे क्राइम फ्री भारत से, लिंक के माध्यम से हम आपको भेज रहे हैं, तो जी जी उस लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, राइट। अच्छा अच्छा जी उस ऐप में अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, आपने जो जो अभी तक के काम किए हैं समाज सेवा से लेके जिसने भी हो उसे विस्तार हाँ से लिखिए, क्योंकि उससे जी लोगों को मालूम पड़ेगा। और अच्छा अपना एरिया कोड कहकर जैसे ही आप डालेंगे जी जी तो वो जो है ऐप ऑटो जनरेट आपको आइडेंटिटी कार्ड देगा, ऑटो जनरेट उसी समय। आप अच्छा जैसे ही ऐप खोलेंगे तो जी प्रोफाइल में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करके उसके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आप उसी से जो है सीधे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जब आप अच्छा प्रोफाइल को खोलेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। जी पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो एक जी बार में 5 लोगों को जोड़ सकते हैं, उसमें आप एक पर्सनलाइज मैसेज भी लिख दीजिए और उसे हाँ हाँ कॉपी करके फिर आप पांच पांच के बाद करेंगे तो हर बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा, उसे पेस्ट करते जाइए। तो अच्छा उसमें जो ऑलरेडी भाषा लिखी है अंग्रेजी में, क्या हो गया है, जुड़ जाइए फलाना ये वो, अपन हाँ हाँ उसके साथ अलग से मैसेज लिखें कि मैंने जी इसको समझ लिया है, ऐसा ऐसा है, लिहाजा हम अपने सभी साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि हाँ हाँ मैं महेंद्र राज जो है ना ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसको आज ही जोड़ें और अपने सभी साथियों पे जो है ना उसको भेजें, और उनसे भी जो है ना बात प्रार्थना बात करें, कम से कम 10 लोगों को जो है ना प्रतिदिन ऊर्जा कृत कर, संकल्पित कर, शपथ कर करके हमें जोड़ना है, हाँ जिससे कि हम इसी विधानसभा में अपने परिवर्तित स्वरूप से काम कर वो कर सकें। हम में से जो साथी चाहते हैं कि वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के अम्ब्रेला में जी जी टिकट लड़े, इसमें पार्टी कौन सी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जी राइट। हम आपकी पार्टी से ही जो है ना उसको टिकट दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा क्राइम फ्री अच्छा भारत मिशन की तरफ से दिया हुआ टिकट माना जाएगा, अच्छा अच्छा समझ गए ना। पार्टी जी का नाम आपका लिखेंगे तो हाँ क्राइम हाँ फ्री भारत द्वारा समर्पित फलाने फलाने पार्टी के फलाने फलाने उम्मीदवार, हाँ हाँ लेकिन किसके मिशन, मिशन से समर्पित हैं आप, अच्छा अच्छा और वो सभी को जोड़ रहा है। जी तो जी सभी वर्ग, सभी व्यापारी, ये वो किसान, सभी सभी लोग जो है ना जोड़ने में लगे हैं, हाँ तो आप जो है मुश्किल से जोड़ेंगे 1,000 या 2,000 को, जी बाकी लोग जो है ना ने जो जो लोगों को जोड़ा उसके आधार पर आप जो है ना 5 लाख से जीतेंगे।
तो आप जीते हैं या क्राइम फ्री भारत मिशन से जीतने जिताया है, जी बस समझ रहे हैं ना। जी जी अभी तो आप जो है ना सीमित होके एक पार्टी और एक जाति विशेष को आप कह रहे हो, तो उसके ही कुछ लोग आपको देंगे, कुछ लोग जो है ना भाजपा को दे देंगे, कुछ लोग किसी दूसरे को दे देंगे, तभी हाँ तो जो है ना लोग बाग हरे हैं। तो इसमें तो जो है सभी लोग, क्योंकि इसमें जो है आपका पार्टी नहीं, पार्टी का भी समर्थन उन 21 लक्ष्यों में आ जाएगा, हाँ इससे पार्टी भी बन जाएगी ना, जब वो जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से उसका टाई अप होगा, तो जी जी बिल्कुल 18 लक्ष्यों से वो भी बन जाएगी। तो हर जी पार्टी का जो है ना लक्ष्य भारत के ये 21 लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर अब इसको समझने में यदि आप ज्यादा देर लगाएंगे तो जी महेंद्र राज जी बहुत देर हो जाएगी। जी सर तो आपको यदि लगता है कि आपके कुछ लोग जो है उनको कोई दिक्कत है, तो वो हाँ जो है हमसे लाइव चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल अलग अलग जगह पे बैठे हो। यदि बिल्कुल बिल्कुल आपने पूरा संगठन बनाया हुआ है आपका जिला लेवल पे, और उस हाँ लेवल हाँ पे जो है ना लोग हैं, तो वो जी आप लिंक दे देंगे, वो अपनी जगह से ही जुड़ जाएं। वो जो जी बिल्कुल है हम उनको, जो मुख्य लोग जुड़ने वाले हैं, ऐसे 10 लोगों को वो लिंक देंगे जिससे वो सीधे जुड़ जाएंगे। बाकी लोग जो है वो उसे YouTube चैनल पर देखेंगे, और YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हाँ जुड़ने हाँ की लिंक भी होगी। तो जी जब उनको लगेगा कि जो है ना जो पैनल पे लोग कम हैं, तब वो जो हाँ है ना अनुरोध करेगा, तो उसको पैनल पे भी जोड़ लिया जाएगा। नहीं तो बाय रोटेशन, क्योंकि पैनल पे 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, राइट। जी तो कुछ लोगों को जो है ना जिनने अपनी बात कह दी उनको बाहर करते जाएं, नए व्यक्ति को जोड़ते जाएं। जी बिल्कुल तो इस तरीके से यदि आपके सभी जिलों के जो है ना प्रतिनिधि भी हैं, तो वो हाँ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जी इसको देर नहीं करना है, क्योंकि 21 तारीख से नामांकन चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल सर तो यदि देखिए, यदि इसके बाद करोगे तो बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। हाँ यदि आप मध्य प्रदेश में अपना झंडा गाड़ दिए, तो जी आप कुछ महीनों में इस सोच को कुछ हद तक तो जमीन पे उतार देंगे, राइट। जी बिल्कुल उसका आपको सीधा लाभ 2024 में मिलेगा, जी और तब जो है आपके, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं वो जी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की हैं, राइट। जी तो वो राज्य जी सरकार कर ही नहीं सकती है, हाँ उसके लिए आपको केंद्र पे आना ही होगा। जी लेकिन यदि आप बानगी में कुछ कुछ करके दिखा देंगे, तो हाँ उसका आपको फायदा मिल जाएगा, जी बिल्कुल क्योंकि इसमें तो बहुत सारा पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। हाँ इसमें जो है जब सभी को समृद्धि होगी, तो जी सभी की क्रय शक्ति कितनी बढ़ेगी। जी बिल्कुल तो आप ये बताइए, आपकी जो अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, क्राइम फ्री भारत का मिशन तो कह रहा है 15 ट्रिलियन होगा, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ और जब सभी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो जो एक व्यापारी अभी रो रहा था, मैंने अभी क्राइम फ्री भारत पे उसका वो अपलोड किया है, तो जी मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा रोने की किसी को जरूरत नहीं होगी। हाँ जब सभी के हाथ में काम होगा, जब जी चारों तरफ समृद्धि होगी, जब जी चारों तरफ जो है ना कुछ निर्माण काम चल रहे होंगे, भारत का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसके पास काम नहीं होगा। आज हाँ तो बड़ी बुरी स्थिति है, जी जी बिल्कुल मतलब लोगों को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कितनी अजीब स्थिति है, जी अजीब स्थिति है कि नहीं है। जी बिल्कुल सर जिनको काम लेना है उन्हें काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, राइट। जी और बिल्कुल सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। तो जी ये मिसमैच क्यों हो रहा है, जी क्यों? क्योंकि सिस्टम को उसी तरीके से बनाया गया है, उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जी तो सर मेरा एक अनुरोध है आपसे जी जी कि आप ऐसी लिंक भेज दीजिए कि मैं 10 लोगों को उसी लिंक से जोड़ दूं, है मैं ना? आपको, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा आपसे, नहीं कौन सी लिंक की बात कर रहे हैं, जो अभी मतलब जो वीडियो वीडियो वाली बात कर रहे हैं या ऐप नहीं वाली बात जो कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली ऐप से उनको जोड़ लूंगा, कम से कम मैं अभी जो हम 10 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं हमारी पार्टी से, जी तो मैं चाहता हूँ कि उनको डायरेक्टली मैं लिंक से जोड़ लूंगा, बिल्कुल ठीक है, है ना? तो बिल्कुल ठीक है। आप नहीं लेकिन ऐप उनको जो है, फिर जी उनको देखो, दो देखो उनको दो तीन चीजें कहना पड़ेंगी जी उनको। बिल्कुल एक तो ये कहना पड़ेगा कि मैं जो है चंद्रगुप्त जी का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छा चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन क्या है कि मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं जो है चंद्रगुप्त हूं, मैं शपथ जी ले रहा हूं कि मैं दिन भर में कम से कम 2 संगोष्ठी करूंगा,
तो आज चुनाव के माहौल में दो क्यों करेंगे, 10 करिए, हाँ 10 हाँ करिए, हाँ ठीक है ना। फिर जी जी बिल्कुल वो कह रहा है कि संगोष्ठी में क्राइम फ्री भारत के हम वीडियो दिखाएंगे, और हाँ जो डरा हुआ सहमा हुआ है पर्दे के पीछे रहना चाहता है उसे हम सदस्य की शपथ दिला देंगे, हाँ हाँ जो आगे आना चाहता है उसे चंद्रगुप्त की शपथ दिला देंगे, जी राइट। बिल्कुल और ये क्रम चलता रहेगा। अभी जी हमने सब लोगों से अनुरोध किया है कि भैया हम जो है ना लोगों के सपोर्ट में कुछ वॉलंटियर्स भेजें जो इस बात को जनता ज, 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 सब जगह लोगों तक पहुंचाए। तो हमने उनसे हाँ कहा कि भैया आपके घर में एक कमरा हो तो आप डेडिकेट कर दीजिए कि साहब ये कमरा हमारा जो है हाँ वॉलंटियर्स के लिए अवेलेबल है, राइट। आपके जी पास जो छोटा मोटा चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे चार पहिया हो या ट्रैक्टर ट्रॉली हो वो बता दीजिए कि साहब जो है ना अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जो हाँ वॉलंटियर्स होंगे जो रूखा सूखा आप खाएंगे वो दो रोटी वो भी खा लेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल तो इस प्रकार हम बहुत कम समय में जन जन तक पहुंच जाएंगे, जी क्योंकि बिल्कुल आप यदि इन्हीं के मॉडल पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसी हाँ तरीके से काम करोगे तो बेकार है। हमारा तो काम शपथ के आधार पे हो रहा है ना, हम शपथ ले जी रहे हैं कि भैया मैं तो डरा हुआ सहमा हुआ हूं, लेकिन हमारा जो साथी निडर और निर्वीक है जो कि हाँ लगातार लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ रहा है, जी जी ऐसे जो व्यक्ति को जो है ना हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, मतलब उसको टिकट दिया जाएगा और हाँ वो उसको हम जो है ना गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाएंगे। तो जी 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 क्राइम फ्री भारत से क्या है कि सभी लोगों जो है ना सभी समूह से लोग आएंगे और सभी शपथ ले रहे हैं कि जो भी उस क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसे जो है हाँ ना हम विजयी बनाएंगे। जी जी बिल्कुल तो ये बड़ा मॉडल हो गया ना। जी जी तो मैं आपको जो है लिंक अभी भेज रहा हूँ SMS से, राइट, जी जी और जी उसको जी क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि जी जी कोई दिक्कत है तो मुझसे फोन पे जो है ना बात कर लीजिए। बिल्कुल सर यदि आप मैं ये भी चाहूंगा कि कल जी तक जो है आप अपने लोगों को तैयार करिए कि जी वो जो है हमसे लाइव चर्चा में आए, तो बिल्कुल सर हम उनका जो है 9 बजे जो है एक लाइव चर्चा रख लें या 9:30 बजे जो भी आपको सूट करती है, मैं नाइट में रात सही में ठीक नौ रहेगा। बजे हाँ बिल्कुल सर ठीक रहेगा तो रात को 9 बजे उनको तैयार करिए और जी उनको बिल्कुल लाइव लिंक दे देंगे और हाँ उसमें जो है ना वो जुड़ भी पाएंगे। तो उसमें सिस्टम ये करेंगे कि जी दो लिंक अलग अलग भेजेंगे, एक लिंक जी है वो सीधे जुड़ने की है तो जिनको जी आप पहले डिसाइड कर लेंगे हम आपको भेज देंगे, आप जिसको भेजना चाहो तो वो लोग सीधे जुड़ पाएंगे, राइट। जी बिल्कुल सर दूसरी लिंक जो है वो क्राइम फ्री भारत का जो लाइव जो चैनल चलती है उसके हाँ कमेंट बॉक्स में जो है ना वो लिंक होगी, राइट। जी जी तो वो जी आप जो है उसमें YouTube के माध्यम से जुड़ेंगे जी क्योंकि वो 10 का जो है ना फिर बाधा नहीं बनेगी, राइट। जब अच्छा आप देखेंगे कि पैनल पे एक आदमी कम हो गया है तो हाँ आप जो है ना रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो जी इस तरीके से हम 50, 100, 1000 जितने को भी चाहें उतनों को जोड़ सकते हैं हाँ और हाँ वो वीडियो लंबा भी चलेगा तो काट के फिर छोटा छोटा करके अपन उसको रीलोड कर देंगे। जी बिल्कुल सर तो इस तरीके से हम इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमको हाँ ये ध्यान भी रखना है कि समय कम है। जी यदि बिल्कुल हम जो है आज सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करते हुए नई व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे तब हाँ हम इस देश का कल्याण कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर ये नहीं तो आप प्रदर्शन जुलूस करते रहिए, आपकी कौन प्रदर्शन सुन रहा है, हाँ कोई नहीं सुनने वाला है। जी बिल्कुल और सर वो अपने राजनेताओं के में लठ और बजाएंगे, बजाएंगे कि नहीं बिल्कुल बजाएंगे। जी जिन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा, 800 जी किसान कालकल्वित हो गए, वो हाँ आम आदमी को क्या छोड़ेंगे, जी बिल्कुल सर ये बात सही है कि नहीं है। जी चलिए तो मेरे ख्याल से ये वार्तालाप हमारी ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी तो आपको ये अवेलेबल रहेगी, आप इसे भी शेयर कर पाएंगे। आप बिल्कुल टेलीग्राम ऐप पर जुड़े हुए हैं क्या? मैं सर टेलीग्राम यूज नहीं करता, इंस्टाग्राम करता हूँ, फेसबुक करता हूँ, ट्विटर करता हूँ, नहीं, तो टेलीग्राम, टेलीग्राम मैं टेलीग्राम सर इसमें डाउनलोड कर लूँगा अभी आप डाउनलोड कर लीजिए और जी उसमें अपना नाम वगैरह लिख के मुझे भेज दीजिए तो मैं जो है ना उसको ग्रुप में भी जोड़ लूंगा। तो उससे क्या फायदा है, टेलीग्राम में 2 लाख तक का जो है ग्रुप बन सकता है। तो अच्छा अच्छा हम चूंकि हमें करोड़ों में जाना है, लिहाजा ये हमें जितने कम ग्रुप बनाने से काम चल जाएगा उतनी कम एनर्जी में हम चीजें वहां डाल पाएंगे। जी जी ये बिल्कुल बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल तो इसलिए आप मुझे उसमें वो दे दीजिए, बल्कि जी हम एक लिंक जो है ना आपको टेलीग्राम पर उसी पे भेज देंगे आपको, राइट। जी बिल्कुल सर चलिए तो बहुत अच्छी बात हुई। और जी महेंद्र जी जागिए जागिए। जी बिल्कुल सर चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर